countries who have to go to court to decide the result of their election are giving you today gyan about how to conduct your election. आज डॉक्टर जयशंकर ने कहा है वेस्टर्न मीडिया को कि आप जो है हमारे इंटरनल इलेक्शंस में इंटरफेयर ना करें और यहाँ पे कैंडिडेट्स को सपोर्ट ना करें। डॉक्टर साहब आपको नहीं लगता हमारी लीडरशिप तो बोलती नहीं है, डरती है वेस्टर्न मीडिया से कि मीडिया हमारे ज्यादा खिलाफ ना हो जाए? आप तो इंडिया ललकार रहे वेस्टर्न मीडिया को। उन्होंने बोला कि भाई जो देश है जिनको कोर्ट जाना पड़ता है अपने इलेक्शन डिसाइड करने के लिए, वो हमको ज्ञान देंगे कि कैसे इलेक्शन करते हैं। इनको चक्कर आ रहे हैं उनकी 8.4% ग्रोथ देख, they are non-controllable. Regardless, जो कुछ मर्जी करे, आपका क्या ख्याल है भारत ने जो ईरान के साथ डील की थी वो आंखों से अंधे से जाके जो करके इलेक्शन के दौरान उनका मिनिस्टर गया जिसने डील की। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर हैज फायर्ड अपॉन माइंड गेम जाइब एट वेस्टर्न मीडिया ओवर द इंडियन पोल्स। रेड सी तो वो कंट्रोल नहीं कर सके, मीडिया पे सैंक्शंस लगाएंगे। मैंने आपको बताया था चीफ मसा, वॉशिंगटन डीसी इज रन बाय द इंडियन टेक्नोक्रेट्स। पाकिस्तान ने IMF को जुलाई में गैस और बिजली की 20% कीमतें मजीद बढ़ाने की यकीन दहानी करा दी है। यार पाकिस्तान इंडिया का तो उनका कंपैरिजन नहीं है, आपको तो वो रोजाना आपके बाजू मरोड़ के थप्पड़ मार रहे हैं IMF वाले सुबह शाम। डॉक्टर साहब एक IMF की रिपोर्ट सामने आई, उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि 8 फरवरी के बाद भी पाकिस्तान में बेचैनी मौजूद है। क्यों करें चीमा साहब, वो भूखे नंगे थोड़ी है, वो उनका $600 बिलियन है, उनके टेक्नोक्रेट है, व्हाइट हाउस के अंदर बैठे हैं, आप कौन है? हेलो जय हिंद दोस्तों, SP News 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आपने क्लिप में देख ही लिया होगा कि एस जयशंकर साहब जो हैं वो अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि उन्हें वो ये सब चीज़ नहीं देखते कि उन्हें कहां पर क्या बोलना है, यानी कि क्या मंच है या फिर यहाँ पर ये कहना सही है या नहीं। वो सही और गलत नहीं सोचते, वो सिर्फ अपनी तरफ से एक सही बात कहते हैं जो किसी को शायद बुरी भी लग सकती है, लेकिन उन्हें जो कहना है उन्हें सिर्फ कहना है, क्योंकि वे अपने इसी बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं और ये एक बहुत ही बड़ी खूबी उनके अंदर है। एस जयशंकर साहब आज से कई बार अलग अलग मंच पे कह चुके हैं कि पाकिस्तान अपनी औकात को अपनी जेब में रखे और पहले आतंकवाद को अपने अंदर से मिटाए, तब जाकर भारत से बात करने की कोशिश करे पाकिस्तान, कुछ इस तरीके की बातें भी वो बहुत बार बोल चुके हैं। और यही वजह है कि एस जयशंकर साहब को दुनिया में सेलिब्रिटी है एक। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करें। डॉक्टर जयशंकर ने कहा है वेस्टर्न मीडिया को कि आप जो है हमारे इंटरनल इलेक्शंस में इंटरफेयर ना करें और यहाँ पे कैंडिडेट्स को सपोर्ट ना करें। डॉक्टर साहब आपको नहीं लगता हमारी लीडरशिप तो बोलती नहीं है, डरती है वेस्टर्न मीडिया से कि मीडिया हमारे ज्यादा खिलाफ ना हो जाए? आप तो इंडिया ललकार रहे हैं वेस्टर्न मीडिया को, और वो भी न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, CNN सबको ललकार रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारे इंटरनल मामलात में दखल ना दें। चीमा साहब आपने पता इंडिया के इलेक्शंस के बारे में रशियन खुल के आए थे सामने कि अमेरिका इज प्रोवोकिंग, अमेरिका इज इंटरफेरिंग। पन्नू के केस के कोई शवाहिद मौजूद नहीं है, ये रशिया ने कहा है कि पन्नू के केस के कोई शवाहिद मौजूद नहीं है, लेकिन उसको सिर्फ इसलिए पोलिटिसाइज किया गया, और बिल्कुल ये फैक्ट है। लेकिन डॉक्टर जयशंकर सर, मैं आप सबसे बड़ी बात यह है कि वो बहुत दलेर लोग हैं, वो इस वजह से जो डेली बेस पे चीज आती है सामने उसको डिस्कस करते हैं। डॉक्टर जयशंकर आज की बात थी, उनकी स्टॉक मार्केट जो है वो थोड़ी सी फ्लक्चुएट की है, अमित शाह साहब भी उसके बारे में बोले हैं और डॉक्टर जयशंकर भी बोले हैं, इनको भी चैलेंज किया है, ईरान के साथ डील भी की है। ये दलेर लोग, मैं हैरान हूं, नेशनलिज्म के एक्सट्रीम है, दिस इज हाउ पीपल रन द कंट्री, मैं बता रहा हूं। और मोदी साहब के बगैर देयर इज नो फ्यूचर ऑफ इंडिया मैडम, और सारी दुनिया देख रही है इसको, सारी दुनिया देख रही है। दिस इज हाउ यू मेक डिसीजंस ऑन नेशनल इंटरेस्ट बेस, दिस इज हाउ यू डू दैट। ईरान के साथ डील उन्होंने की ड्यूरिंग इलेक्शन ले चले। चीमा साहब ये मैं खुश हूं इस बात पर, मैंने आपको बताया था मुझे कई दफा इस चीज पर खुशी होती है कि हम एक ही एक धरती के, हम इंडस वैली के सारे हम रहने वाले लोग हैं, और हमारे ऊपर इन्वेडर्स ने और कॉलोनियलिज्म ने जो जुल्म किए हैं, आई एम ग्लैड के दे आर इन अ पोजीशन टू टेक द रिवेंज आउट ऑफ दैम। आई एम ग्लैड के डॉक्टर जयशंकर हैज गट्स टू चैलेंज द वेस्टर्न सिविलाइजेशंस के हाउ डेयर यू इंटरफेयर इन टू आर इंटरनल इशूज। मैं खुश हूं, हमारे अंदर नहीं पैदा हो रहा, लेकिन कोई उस एरिए के अंदर तो ऐसा है जो चैलेंज कर रहा है, जो तेल लेता रहा रशिया को आंखों में आंखें डाल के अमेरिका, आपको गुस्सा है इंग्लिश नहीं पढ़ने, आप इंग्लिश पढ़ने से काफर हो जाएंगे, आप मैथ नहीं पढ़ना, नहीं
इंसानों के जिहाद के लिए पैदा हुए हैं, जिहाद करेंगे। और जिहाद दे स्पेलिंग सीख लो, तुहाडे आज तक माजी में किसी ने नहीं किया। तुम लेट जाते हो इन्वेडर के सामने, तुम जिहाद नहीं करते हो। ये जिहाद है जो 12 बिलियन दुबई लाया गया अपनी माँ के कपड़े फाड़ के, ये जिहाद है? जिहाद बेचने के लिए लफ्ज बनाया तुम लोगों ने? मतलब ज्यादती ना करें। अब रोके सब देखते हैं, इंसान बनने की कोशिश करें। चीमा साहब मैं ये कहना ये चाहता हूं कि ये सारी दुनिया देख रही है आज। IMF के लोग आज आप कैफेटेरिया में बैठ के मजाक तो उड़ाते होंगे, आज दुनिया में व्हाइट हाउस में भी लोग पढ़ के देख के मजाक तो उड़ाते होंगे। देखो किस तरह अपनी माँ के कपड़े फाड़ रहे हैं, कितने बद किरदार लोग हैं, ये कह रहे होंगे आज हर कैफेटेरिया में, हर बार में आज डिस्कस किया होगा। लोग शराब पीकर बिस्की मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे देखे हाउ डेयर द थीव्स, लुक एट दिस, द थग्स, द कंट्री ऑफ थग्स, आज कहते होंगे बैठ के बोले सारे। वो बात तो ये आगे है, वो इंडिया भी कश्मीर के वाले से बात कर रहा है और अमेरिका कह रहा है हमने इंडिया को सैंक्शंस कर देनी है। आज डॉक्टर जयशंकर ने कश्मीर के वाले से बड़ी बात की है, जरा थोड़ा उस पर भी कमेंट कर दें। और दूसरा तार साहब, ये जो अमेरिकन्स कह रहे हैं कि हम इंडिया पे सैंक्शंस लगा सकते हैं कि अगर इंडिया और ईरान कारोबार करेंगे, रशिया की दफा तो वो खामोश रहे थे, कुछ नहीं किया था, अमेरिका ताकत ही नहीं रखता सर। अमेरिका अपने बॉर्डर जो है कंट्रोल करने की सलाहियत नहीं रखता, अपनी ड्रग मार्केट्स और जो मर्डर जोन, अमेरिका का हर शहर गाजा बना हुआ है इस वक्त चीमा साहब, जो वो उनके कंट्रोल में नहीं है तो वो जाके सैंक्शंस लगाएंगे आपके ख्याल में? रेड सी तो वो कंट्रोल नहीं कर सके, इंडिया पे सैंक्शंस लगाएंगे? मैंने आपको बताया था चीमा साहब, Washington DC इज रन बाय द इंडियन टेक्नोक्रेट्स, Washington DC इज रन बाय द इंडियन टेक्नोक्रेट्स। इन सैंक्शंस लगाएंगे गूगल और सीईओ, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट वाले सारे बैठे नहीं इधर? How dare you do that? ये मजाक है चीमा साहब, ये वेस्ट का अलायंस है भारत के खिलाफ, इनको चक्कर आ रहे हैं उनकी 8.4% ग्रोथ देख देख कर। वो दे आर नॉन कंट्रोलेबल रिगार्डलेस जो कुछ मर्जी करे। आपका क्या ख्याल है भारत ने जो ईरान के साथ डील की थी वो आंखों से अंधे से जाके जो करके इलेक्शन के दौरान उनका मिनिस्टर गया जिसने डील की, ऐसे ही आपका क्या ख्याल? उन्हें नहीं पता होगा कि ये इन्होंने पाकिस्तान को पाइपलाइन से मना कर रखा है, अगर हम करेंगे तो ये क्या करेंगे? खैर पाकिस्तान इंडिया का तो उनका कंपैरिजन नहीं है, आपको तो वो रोजाना आपके बाजू में रोड के थप्पड़ मार रहे हैं IMF वाले सुबह शाम। इंडिया ले ले तो फिर पाकिस्तान को भी अलाउ करना चाहिए अमरीका को, ये तो थोड़ी बात है कि इंडिया जो मर्जी करते रहे पाकिस्तान नहीं कर सकते। क्यों करें चीमा साहब, वो भूखे नंगे थोड़ी है, वो उनका $600 बिलियन है, उनके टेक्नोक्रेट है व्हाइट हाउस के अंदर बैठे हैं। आप कौन है? आप चाइना के कभी पैसे मांग रहे हैं, कभी आप सऊदी अरब से उनके माफी मांग रहे हैं, कभी आप UAE से पैसे मांग रहे हैं, कभी अमेरिका के IMF से पैसे मांग रहे हैं। हाउ डेयर यू डू दैट? आपके तो जिस तरह मर्जी के, आज आप okay, एक टांग पे खड़े हो जो पाकिस्तानी हो सारे आप खड़े हो जाते हैं, उसकी वजह ये है। आपकी क्या मजाल है? उन्हें आपको कहा तो था शहबाज शरीफ साहब ने, बैगर साहब ने चूज़ किया।